आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत खुशी है कि इस सुबह आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रे थीम जो है वो कंक्लूड हो रही है, हम इस महीने के आखिरी एपिसोड में आ गए हैं और साथ ही आज है बुधवार, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है आंध्र प्रदेश। आज हम आंध्र प्रदेश से आपके लिए सच्ची कहानी और गीत लेकर आए हैं। रिबेका, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आए हैं? वाओ, दैट इज न्यूज, हमें पता नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम था। ठीक। और इनफैक्ट दोस्तों, शायद आपको पता हो कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, इसके जो डिजाइनर हैं पिंगली वेंकैया, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं। और आंध्र प्रदेश के वेरी फेमस पिकल्स तो हम सब ने ट्राई किए हैं। स्पाइसेस, यस, हाँ, इतनी मिर्चें। और मुझे पूरा यकीन है आपने भी एंजॉय किया होगा आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्पेशल पकवान। जी बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के पकवान और वहाँ का जो खाना है वो तो हम सब बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और दोस्तों, अब समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर तेलुगु गीत और इससे हम आशीष पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ब्यूटिफुल तेलुगु गीत। वैसे हम तेलुगु भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मेलोडियस ये गाना था, बहुत ही खूबसूरती से गाया गया था और बहुत अच्छा लगा इस गीत को सुनकर। और जैसे कि हम कई बार याद करते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब अलग अलग भाषाओं में लोग मिलकर परमेश्वर को याद करते हैं। और खासतौर से आराधना हम हर भाषा में कर सकते हैं, और परमेश्वर की आराधना और स्तुति हर भाषा में खूबसूरत है और परमेश्वर को भाती है ये बात कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। और खास तौर से सुबह सुबह अगर उसकी आराधना के गीत हो जाएं तो दिन बन जाता है रिबेका, है ना? बिल्कुल। इसी बात पे दर्शकों, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे क्योंकि एक सच्ची कहानी हम आपको दिखाना चाहते हैं जो आंध्र प्रदेश से है।
सो कहीं मत जाइए, यूं गए और यूं आए वापस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा प्रे थीम का कंक्लूडिंग एपिसोड। साथ ही आज है बुधवार, तो आज का हमारा रीजनल फोकस है आंध्र प्रदेश। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो बैकड्रॉप है ये यार्डा बीच है विशाखापट्टनम में। और हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं एंड इट्स सो लवली दैट पीपल कैन गो एंड एंजॉय देमसेल्व्स ऑन दीज ब्यूटीफुल क्लीन बीचेस। या इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शक लोग जो खास तौर से आंध्र प्रदेश से, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई होगी और आप बहुत खुश होंगे कि हम एक स्पेशल रीजनल एपिसोड आपके स्टेट के लिए कर रहे हैं। और प्रार्थना के बारे में जैसे रिबेका ने बताया है तो शायद आखिरी एपिसोड, क्योंकि अगले महीने से एक नया थीम शुरू होगा, पर दिस इज योर थीम ऑफ लाइफ। आपको उस रास्ते पे लिया है, उस राह पे जिसको प्रार्थना कहते हैं, तो आप प्रार्थना करते रहिए और देखते रहिए कैसे खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें और जैसे जैसे हम प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर हमें हमारे जीवन में आगे ले जाते रहेंगे। आइए आज हम आपको मिलाते हैं शिव शंकर से, जो अपने स्कूल डेज में स्पेक्टिकल्स लगाने के कारण बुली हुए, पर इस बुलिंग से उनको एक नया नजरिया मिला अपने जीवन और प्रार्थना के जीवन के लिए। आइए जानते हैं किस लेंस से देखा शिवा ने अपने जीवन को। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते समय शिवा शंकर को आंखों की रोशनी की समस्या हुई और उन्हें जीवन भर चश्मा लगाने की सलाह दी गई। मेरी आंखों में पानी बहने की समस्या हुई, स्कूल के प्रिंसिपल मुझे जांच के लिए ले गए और मुझे कहा गया कि मेरी आंखों की रोशनी कम है और मुझे चश्मा लगाना होगा। मेरी नजर ज्यादा कम होने के कारण मुझे मोटे शीशे वाला चश्मा लगा। छठी कक्षा से मुझे अगले 2 साल के लिए चश्मा लगाना पड़ा। 7वीं कक्षा में मैंने चश्मा नहीं लगाया और मेरी नजर और ज्यादा कमजोर हो गई और मुझे और ज्यादा मोटे शीशे वाला चश्मा लगवाना पड़ा। शिवा शंकर की चश्मे के प्रति घृणा और बढ़ती गई जब उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया। मेरे चश्मे के कारण मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाया करते थे। भावनात्मक रीति से मैंने बहुत संघर्ष किया और मैं सोचता था कि क्यों सिर्फ मुझे ही चश्मे के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। जब मैं बिना चश्मे के सुंदर आंखों वाले लोगों को देखता था तो मुझे उनसे जलन होती थी। मैं सोचता था कि क्या मैं भी कभी ऐसा हो सकता हूँ। मेरे अंदर उनके जैसा बनने की बहुत इच्छा होती। बिना चश्मे के मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मुझे हमेशा चश्मा लगाना पड़ता था। जब शिवा शंकर अपने जीवन में इन सब से गुजर रहे थे तो एक गवाही ने इन्हें प्रोत्साहित किया। इस बहन के चश्मे का नंबर 12 था और वो कुरनूल ग्राउंड में प्रार्थना के लिए गई तो परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से चंगा कर दिया। बिना चश्मे के वो सब वीडियो देख पा रही है और वे पूरी तरह से ठीक हैं। जब मैंने ये सच्ची कहानी सुनी तो मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि मैं भी चंगा हो जाऊं और मैं उस चंगाई की लालसा में था। जैसे जैसे समय बीतता गया शिवा शंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर लिया और वह ग्रेजुएशन के लिए हैदराबाद चले गए। पर उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया। जहाँ भी प्रार्थना सभा होती थी मैं वहाँ प्रार्थना के लिए जाता था। हालांकि किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा नहीं था, चंगाई के लिए वे मुझे मेरी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए कहते थे और मैं वैसा ही किया करता था। शारीरिक रीति से मुझे कोई चंगाई नहीं मिली पर मेरे अंदर इसकी एक गहरी इच्छा थी। जब शिवा शंकर ने बाइबल को पढ़ा तो वह कलीसिया के एक सदस्य बन गए और वह परिस्थिति को समझने में सक्षम थे। जब मैंने यूहन्ना 9 अध्याय को पढ़ा जहां लिखा है कि वो जन्म से अंधा था
यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा किया। जब यीशु से पूछा गया कि किसने पाप किया है, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने, यह अंधा क्यों जन्मा है, तब यीशु ने कहा, ना तो इसने पाप किया है और ना ही इसके माता पिता ने, यह इसलिए अंधा जन्मा है ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब वो चंगा हो गया। इस घटना से मेरी आत्मिक आँखें भी खुल गईं। अपनी आत्मिक समझ के कारण शिवा शंकर ने अपना जीवन यीशु को दे दिया और वह अपने जीवन में बड़ा आनंद अनुभव कर पाए। यीशु को अपनाने के बाद मुझे अभी भी शारीरिक रीति से नजर की समस्या थी, पर परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आँखें खोल दी। यदि मैंने सर्जरी करवा ली, शायद वे मुझे चश्मा दें और शायद मैं बिना चश्मे के देख पाऊं, पर परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आँखों को खोलने के बाद शारीरिक रीति से चाहे चश्मा हो या ना हो, मैंने अपने सृष्टिकर्ता को जान लिया है और मेरे मन में एक बड़ा आनंद है। आज शिवा शंकर शादीशुदा हैं और परमेश्वर ने उन्हें 3 बेटों की आशीष दी है। अपने जीवन की सभी आशीषों के लिए वह सारी महिमा यीशु को देते हैं। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पत्नी और बच्चे दिए हैं। इस तरह परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। केवल शारीरिक आशीषें नहीं, पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसने मुझे अपने अनंत राज्य में ले लेने की एक बड़ी आशा भी दी है। मैं इस महान आशा के साथ जी रहा हूँ। एक मसीही के रूप में मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि भजन संहिता 73:25 में लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है। मैं अपने जीवन में यीशु को पाकर बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। शिवा, थैंक यू आपकी कहानी के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी देखकर। इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। और हमने देखा कि आपने प्रार्थना की कि आपके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो हट जाएं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया और परमेश्वर ने आपका मन बदला और आपने अपने स्पेक्टिकल्स को एक्सेप्ट किया। साथ ही इससे बढ़कर परमेश्वर ने आपके आत्मिक आँखें जो है वो खोली और आपने परमेश्वर को जाना। और रेबेका, मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रार्थना करें ना, हाँ, तो डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक, होती तो है ना? जब भी आप जाते हो, हाँ, दर्शक लोग सही कह रहे हो ना, मैं कि जब भी आपने सोचा कि आज मैं प्रार्थना करूंगा, सुबह उठ के खूब प्रार्थना करूंगा, उसी वक्त शायद उस रात को कोई झगड़ा हो जाता है या कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है या बॉस का कॉल आ जाता है, आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते और प्रार्थना का जो आपका जो इरादा है वो भंग हो जाता है। ऐसे ही मैं ये देखिए मेरे सामने क्या है, ये एक छोटा सा फ्रॉग है, देख रहे हैं, ये मेंढक फ्रॉग, ये आपके सामने है, छोटा सा एक खिलौना रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शख्स था जो उसने निर्णय कर लिया कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं प्रार्थना करूंगा। जैसे शायद आप में से कई लोग होंगे कि पूरा महीना मैंने एक नई जिंदगी देखा और पूरे महीने उन्होंने प्रार्थना के बारे में बताया, अब मैं प्रार्थना में बहुत मजबूत हो जाऊंगा, अब मैं रोज प्रार्थना करूंगा सुबह उठ के। तो ये भी शख्स रेडी हो गए, उन्होंने कहा, खुदा मैं अब रोज आपके साथ समय बताऊंगा। सुबह उठ गए 5 बजे और जैसी प्रार्थना, उन्होंने घुटनों पर गए और हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, उसने कहा, हे परमेश्वर, और उधर से आवाज आई मेंढक की, और फिर उसने कहा, हे परमेश्वर, फिर मेंढक ने आवाज करी। और मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 दफा ऐसा परेशान हो गया, जाके एकदम उसने अपनी खिड़की बंद करी, फिर उसने कहा, हे परमेश्वर, फिर मेंढक की आवाज आई, अरे यार ये, फिर उसने कहा, दरवाजे बंद कर दिए, अपने कर्टन्स कर दिए और जहां से भी आवाज आ सकती सब जगह बंद करके, फिर मन को पक्के इरादे से फिर घुटनों पर चला गया और उसने कहा, हे परमेश्वर, उधर से फिर आवाज आई, उसने कहा। और दोस्तों ऐसा चलता रहा कुछ दिन, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी चीजें बंद करके उन्होंने कहा, ये तो हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं है ये मेंढक, सब जगह झाड़ू लगा दिया, वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, झाड़ पोछ कर दी, नौकर चाकर को बुला के सब चीजें इधर से उधर कर दी, पलंग इधर, कभी ये चीज, सब कुछ उलट पुलट कर दिया, वो दिखाई नहीं कहां से है ये मेंढक। फिर उसके बाद हर रोज ये आवाज आती थी, उन्होंने कहा, क्या करें, मैं कानों में प्लग डाल लेता हूँ। और उसने कानों में अपने को प्लग करके उसने कान बंद कर लिए और उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कहां से आएगा ये मेंढक की आवाज। उसने कहा, हे परमेश्वर, और फिर हल्की सी आवाज आई
और बड़ा गुस्सा आ गया उसको। उसने कहा, अरे मैंने इतनी कोशिश करी परमेश्वर, शायद आप चाहते हो कि मेंढक की प्रार्थना आपको ज्यादा पसंद आ रही बजाय मेरी प्रार्थना की। तो हुआ कि उसने गुस्सा, उसने खिड़की खोल दी, दरवाजे खोल दिए। उसके बाद आपको पता है उसने कहा, हे परमेश्वर, कोई आवाज ही नहीं आई। हे परमेश्वर, एक आंख खोल के देख रहा है, आवाज भी नहीं आ रही भाई, इतने दिन तो आवाज आ रही थी। हे परमेश्वर, फिर और जोर से चला, आवाज ही नहीं आई। दोस्तों फिर उसको रियलाइज हुआ कि मेंढक उसके दिल में था, उसके अंदर था। बताऊं क्यों दोस्तों? हम लोग खुद डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग पास अनुशासन डिसिप्लिन नहीं है, अलग अलग विचार हमारे मनों में आ जाते हैं, अलग अलग फ्रॉग्स आ जाते हैं हमारे मन में और हम ब्लेम करते हैं इस फ्रॉग के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, अनुशासन में लाएं और अपने आप को रोज प्रार्थना करें और कोई फ्रॉग की डिस्टर्बेंस आपके पास ना आए, और अपने मन को खाली करके मन को परमेश्वर के सामने लाइए और अंदर की वो जो फ्रॉग की आवाजें हैं, बाहर तो ढूंढ रहे हो पर कभी अंदर झांक के नहीं देखा, क्या आपका हृदय तैयार है? क्या आर यू प्रिपेयर्ड? अपने हृदयों को तैयार करें और सारी आवाजों को हटाकर फ्रॉग की ना सुने, परमेश्वर की सुने। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला थिसलोनिको 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दर्शकों हो सकता है ये इस थीम का आखिरी एपिसोड है, पर मैं आज परमेश्वर का वचन आपके सामने दे रहा हूं। पौलुस कहता है, खुदा का आत्मा कहता है और खुद परमेश्वर कहते हैं आपसे, हाँ जी आपसे और मुझसे, कि निरंतर सीजलेसली प्रार्थना करते रहो। मेक दिस योर लाइफस्टाइल, अपने जीवन का जीवन शैली में प्रार्थना इंक्लूड कर लो। और याद रखें, अपने अंदर की आवाज परमेश्वर की आवाज होनी चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, सब चीजें बंद कर दो, सब चीजें हटा दो और खुदा के सामने समय बिताओ। देखिए फिर प्रभु क्या ना करेगा आपके लिए। वो जिंदा खुदा है, प्रार्थनाओं का जवाब देता है और सुनता है। तो मेंढक की मत सुनिए, खुदा की सुनिए। जी बिल्कुल दोस्तों, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते हम प्रार्थना करें। Let us breathe in and breathe out prayer. और प्रार्थना में दोस्तों हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। We would love to encourage you to pray and pray with you and for you. तो क्यों ना आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर हमसे संपर्क करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे ये ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और सच्ची कहानी हम आपके लेकर आए हैं, साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's a quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot. But most of all and most importantly is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ग्रेट प्रेयर वॉरियर्स बन रहे हैं और आप भी प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं और आप भी जुड़ गए हैं इस प्रार्थना के कारवां में। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं बंदीकला प्रमोद से, जिन्होंने भी प्रार्थना के सामर्थ को अपने जीवन में जाना। जब उनका बेटा बहुत बीमार हो गया था और डॉक्टर्स जवाब देने लगे थे, तब उन्होंने प्रार्थना की और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला, उनके बेटे के जीवन को बदला। आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें, जो खास हम आंध्र प्रदेश से आपके लेकर आए हैं। जब बंदीकला प्रमोद के बड़े बेटे गंभीर खांसी की समस्या से संघर्ष कर रहे थे, वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। जो डॉक्टर ने उन्हें बताया, उससे उन्हें बहुत सदमा लगा। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके फेफड़े 5% तक खराब हो चुके थे, उनमें फाइब्रोसिस बन गया था जो कि लाइलाज था।
ये फाइब्रोसिस और फैल जाएगा, ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इसे फैलने से रोका जा सकता है। अपने बेटे को कष्ट में देखकर प्रमोद का दिल टूट गया। जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हो रहा है, बेटे ने बताया कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम जो भी कर सकते थे हमने कर दिया है, हमने सबसे बढ़िया दवाई दे दी है, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। अब परमेश्वर को कोई चमत्कार करना होगा। उन शब्दों ने मेरे दिल को तोड़ दिया। इस समय के दौरान प्रमोद ने वो किया जो उन्हें सबसे उत्तम लगा। मैं अपने बेटे को चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे जो भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। हर सुबह कलीसिया में यही प्रार्थना हुआ करती थी। मैं प्रभु के सामने इन शब्दों को कहता था और मेरी आंखों से आंसू बहते थे। मैं प्रार्थना के बारे में भी इतना नहीं जानता था, पर मेरे दिल की पीड़ा को परमेश्वर ने सुना। जब प्रमोद ने अपने बेटे के स्वास्थ्य में धीरे धीरे बदलाव को देखा तो उनको उनके विश्वास का प्रतिफल मिलने लगा। विश्वास के साथ मैं हर रोज आ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और जल्द ही मैंने अपने बेटे के स्वास्थ्य में बदलाव देखना शुरू किया। इससे पहले उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे और वो देखने में बीमार लगते थे। हमें नहीं पता था कि प्रभु ने उन्हें तुरंत या फिर धीरे धीरे चंगा किया, पर एक सप्ताह के अंदर हमने अपने बेटे में एक बड़ा बदलाव देखा। अपने बेटे के जीवन में यीशु के कार्य को देखकर प्रमोद ने एक बार फिर से अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु की अगुवाई के द्वारा उसने मुझे आदर और शांति दी। प्रभु ने मुझे सब कुछ बहुत स्पष्ट रीति से दिखाया। जब मैं परमेश्वर से दूर ही था, उसने मुझे आशीषित किया और मैंने सोचा कि यदि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, जैसे कि मैंने अपने आप को दोबारा समर्पित किया है, तो ये और भी अच्छा होगा। उसने ऐसा विश्वास मुझ में उत्पन्न किया। उनके बेटे के इस अनुभव ने प्रमोद को हर बार यीशु को समर्पित करना और उस पर विश्वास करना सिखाया है। रोमियो 11:36 में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित कर दो। इस घटना को लगभग 10 साल हो चुके हैं। प्रमोद के बेटे एल्पिन पॉल अब एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। पहले वो हर रोज स्टेरॉइड पर जीते थे। हर रोज वो 4 स्टेरॉइड, श्वास यंत्र और गोलियां लेते थे। ये सब लेने के बावजूद भी वो बहुत संघर्ष करते थे। उसके बाद हमने सभी दवाइयां पूरी तरह से बंद कर दी। आज वो 16 वर्ष के हैं। अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। अब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है और वो कोई दवाई भी नहीं ले रहे हैं। अब उन्हें खांसी या कोई भी और समस्या नहीं है। आज प्रमोद एक कलीसिया के पास्टर हैं और वो सबको प्रार्थना करने और यीशु को समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, ऐसे समयों में भी आप सामर्थ्य पाएंगे और उसके कारण जीवित रहेंगे। तो हमें सिर्फ यही प्रार्थना नहीं करना है कि मुझे ठीक कर दें, ऐसा करें या वैसा करें, पर हमें यीशु को अपने जीवन को समर्पण करने की जरूरत है। हमें कहना चाहिए, प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। परमेश्वर अद्भुत रीति से अगुवाई करता है। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमें उसके बारे में बात करने का सम्मान देगा। वो हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। पंडिकला जी, थैंक यू कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। और वाकई कितना मुश्किल समय होता है पेरेंट्स के लिए, माता और पिता के लिए, जब उनकी संतान ऐसी बीमारी से गुजरे और जब डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर दें। बहुत मुश्किल समय होता है, लेकिन हमने जाना कि ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमें नहीं त्यागता, वो हमारा मददगार है। और आपने भी परमेश्वर से मदद पाई। मेरे अजीजों, जब ये सब कुछ हो सकता है तो हम क्यों वेट करें? हर एपिसोड में हम ऐसी कहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जो आज तक
अभी तक जिसने प्रार्थना नहीं करी, आप भी घुटनों पे आ जाइए और मिलकर सच्चे मन से हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन, आपके परिवार, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपके जॉब, जो भी आपके सामने है, जो भी आप करते हैं, परमेश्वर की आशीष उस पे हो। लेट अस प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि पूरे महीने प्रभु जी हमने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ देखी, सच्ची कहानियाँ, लोगों के जीवन में किस तरह प्रभु जी आपने अपना अपना हाथ लेकर आए और आपने इंटरवीन किया उनकी लाइफ में और कैसे उनकी लाइफ बदल गई। प्रभु जी, प्रभु जी आज भी कुछ ऐसे दर्शक लोग हैं जो शायद पहली दफ़ा ट्यून इन किया, उन्होंने शायद उनको मालूम नहीं कि हमारी सीरीज चल रही है प्रेयर में, और आज आपने आपके आत्मा ने उनको कायल किया और आपके आत्मा ने उनको पकड़ लिया। प्रभु जी, प्रभु जी हम खास तौर से उनसे उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आप अपना हाथ उनकी लाइफ पे लाइए, उनके परिवारों पे लाइए, उनके घर पे लाइए, उनके कामकाज पे लाइए, और हर वक्त, हर घड़ी, हर समय वो आपकी ओर ही देखें और प्रार्थना उनके जीवन का हिस्सा बन जाए। मेरे खुदा, कि वो सबसे पहला दर्जा आप ही को दें अपने जीवन में, और प्रभु जी आप अद्भुत कार्य उनकी लाइफ में करें। आपके वचन में लिखा है कि मेरी ओर पुकारो तो मैं ऐसे ऐसे कार्य करूंगा जो तुम्हारे समझ के बाहर है। प्रभु जी, डू योर वंडर्स इन देयर लाइफ, अपने अद्भुत कार्य हमारे सारे दर्शकों जो देख रहे हैं, दर्शक लोग, उनकी लाइफ में आप करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप जिंदा जीवत प्रेमी परमेश्वर हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। इसी विश्वास और उम्मीद से हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी और हर एपिसोड में हम करते हैं, और मैं जानता हूं और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और जब हम आमीन बोलते हैं आप भी आमीन बोलते हैं, और जब हम एग्री करते हैं किसी चीज में, खुदा के कलाम में लिखा है कि स्वर्ग में भी वो चीज एग्री होती और परमेश्वर करते हैं, तो मिलकर विश्वास में हमने आमीन बोला है और हर एपिसोड में आमीन बोला है। इसका मतलब है ऐसा ही हो, तो ऐसा ही हो आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में, या आपके कामकाज में, जो भी आप करते हैं ऐसा ही हो, आमीन ही हो, आमीन हो और आमीन हो। और आइए समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन हमें क्या सामर्थ दे रहा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिप्पियों 4:6। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है, ये हमारे लिए है क्योंकि हम अक्सर चिंता करते हैं, मुश्किलों में हम बहुत चिंता करते हैं। ये वचन हमें कह रहा है कि हम चिंता ना करें, पर हर बात में, हर कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम सिर्फ प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आएं और हम परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे जीवनों को, हमारे मनों को भर देगी और जो भी हमारी सिचुएशंस हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देगी। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं कि हमारी जो प्रेयर सीरीज़ है इसने आपको बहुत इंकरेज किया है। और दोस्तों, कल है अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और एक नया थीम भी शुरू हो रहा है, और वो थीम है अकेलापन या लोनलीनेस, जिसके साथ बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मंथ कमिंग अप, और आप दूसरों को भी बांटिए कि वो भी ज्वाइन करें एक नई जिंदगी को, ताकि उस अकेलेपन से हम नजात पाएं, निकल पाएं और एक नई जिंदगी पाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप ऑन प्रेइंग एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।